अब जब हमें ये एक्सपीरियंस हो गया है कि एक पार्टी जो निकली थी वो खरी नहीं उतरी जन लोकपाल वाले आंदोलन के अपने उन मुद्दों से, लेकिन क्या अब हमें दूसरी पार्टी बनानी चाहिए या सिर्फ आंदोलन पे निर्भर रहना चाहिए? और थोड़ा सा यदि आप ये बता दें कि जो जिस तरह का आपका प्रोफेशन है जिसमें लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं या पीआईएल फाइल कर सकते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या सफिशियंट है इतना ही करना? ये क्वेश्चन नितिन गुप्ता जी दिल्ली से भी पूछ रहे हैं। देखिए, जन आंदोलन और कैंपेन्स, इनका बड़ा महत्व है देश में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए और कई बार व्यवस्था में, कानून में सुधार कराने के लिए भी। लेकिन आज जो देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे देश में देख लें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, सारी की सारी भ्रष्ट और जनहित से हटकर अपना हित साधने के लिए काम करती हुई दिख रही है। सिर्फ सिर्फ एक सरकार को कहा जा सकता है कि वो ईमानदार और जनहित के लिए काम करती है, शायद वो त्रिपुरा की सरकार है, जहाँ एक मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट सरकार है जो कि बहुत ईमानदार सरकार मानी जाती है, बहुत ईमानदार चीफ मिनिस्टर उसके माने जाते हैं, मानिक सरकार उनका नाम। लेकिन उस सरकार आज राज्यों में या केंद्र में ऐसी बिल्कुल ईमानदारी से जनहित में काम कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये बात अभी भी नहीं मानता कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना जाने का मतलब ये है कि आप भी उस कीचड़ में सन जाएंगे, आप भी वही काम करने लगेंगे जो आज की सरकारें कर रही हैं। लेकिन उससे बचने के लिए, क्योंकि उसका पुल बहुत बड़ा होता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एक बड़ा खराब इन्फ्लुएंस होता है कि आप जनहित से हटकर ये सोचने, सिर्फ ये सोचने लगते हैं कि मैं ये करूं तो मेरा समर्थन बढ़ेगा कि घटेगा, यानी कि आप सिर्फ अपना इलेक्टोरल फायदा देखने लगते हैं और जनहित का सोचना भूल जाते हैं। उससे बचने के लिए कई सारी चीजें करनी जरूरी हैं। एक तो ये कि जैसे हम लोगों ने गलती आम आदमी पार्टी में ये करी कि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन संगठन था और उसके बाद हमने जब पार्टी बनाई, तो उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक लोकतंत्र, ये हमने नहीं स्थापित किया। हमने देश हित में अलग-अलग मुद्दों पर पॉलिसीज नहीं बनाई, अडॉप्ट नहीं करी कोई। हम लोगों ने कमिटी जरूर बना दी थी, वो तो आम आदमी पार्टी ने आज तक भी नहीं करी। आज तक भी कोई पारदर्शिता नहीं है आम आदमी पार्टी में, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। उन्होंने अपने इंटरनल लोकपाल वगैरह सब हटा दिया और कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, एक सुप्रीमो है जो अपने मनमानी से पार्टी को चलाता है। तो अगर हमको रियली वैकल्पिक राजनीति करनी है और एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो हमको उसकी तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, जिसमें कि पहले जो संगठन है, जैसे हम लोगों ने स्वराज अभियान एक संगठन बनाया है, हम लोगों ने ये तय किया है कि हमने ये नहीं बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी हम कभी बनाएंगे नहीं, बना सकते हैं, बनाना चाहते भी हैं, लेकिन उसको बनाने से पहले हमारी तैयारी पूरी ठीक से ठोस होनी चाहिए, जिसमें कि स्वराज अभियान में हमको पूरा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र को कायम करना होगा। साथ साथ हमको बड़े बड़े मुद्दों पर पॉलिसीज बनानी होंगी। हम लोगों ने कुछ 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 काम उस पर शुरू कर दिया है, लेकिन जब तक वो काम ठोस तरीके से पूरा नहीं हो जाता, उससे पहले अगर हम पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जल्दीबाजी करेंगे, तो फिर से वही खतरे उभरेंगे जो कि आम आदमी पार्टी में उभर कर आ गए। थैंक यू प्रशांत थैंक यू जी। प्रशांत जी। आपने जस्ट ब्रीफली टच्ड अपॉन द
undertakings of Swaraj Abhiyan. Can you just lay out very quickly for the audience what are the major undertakings as of now in public interest that Swaraj Abhiyan has undertaken? देखिए हम लोगों ने सबसे पहले तो एक जय किसान आंदोलन की शुरुआत करी है क्योंकि आज किसानों का बहुत बड़ी समस्या है बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए क्योंकि किसान किसानी अब घाटे का सौदा हो गया है जो सपोर्ट प्राइस फूड ग्रेन्स का होता है वो इतना भी नहीं होता कि किसान का कॉस्ट निकल पाए और साथ साथ जो हमने केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और ये हाइब्रिड सीड्स और साथ में ये डैम से इरिगेशन लार्ज डैम्स का इरिगेशन कैनाल इरिगेशन ये जो मॉडल बनाया है इससे हमारा सॉइल बर्बाद हो रहा है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है और हमारा सॉइल पॉइजन हो रहा है हमारे आज लोग पॉइजन हो रहे हैं जो उसको खा रहे हैं पेस्टिसाइड वाला फूड और उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है फूड की और किसान को एक्सपेंसिव इनपुट्स लेने पड़ते हैं तो वो कर्जा लेता है और एक बार अगर क्रॉप फेल हो जाए जैसे अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार ड्राउट हो रहा है कहीं फ्लड हो रहा है क्रॉप फेल हो जाए तो वो कर्जा दे नहीं पाता और फिर सुइसाइड कर लेता है तो बहुत ही बड़ी अभी योगेंद्र जी पूरे ड्राउट अफेक्टेड एरियाज के दौरे पर गए थे तो उन्होंने ये पाया कि बुंदेलखंड में तो इतनी बुरी हालत है कि ज्यादातर किसान लोग आजकल कम से कम महीने में एक दिन भूखे सोते हैं खाना कुछ भी नहीं खा पाते और घास की रोटियां खा रहे हैं कोई सब्जी नहीं खा पा रहे हैं कोई दूध नहीं पी पा रहे हैं दालें भी नहीं खा पा रहे हैं कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं है बहुत ही बड़ी समस्या है तो उस समस्या को केंद्रित करने के लिए उसके सॉल्यूशंस हम लोग बता रहे हैं कि भाई आप सपोर्ट प्राइस बढ़ाइए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़िए आप ये डैम्स का इरिगेशन को हटाकर माइक्रोशेड वाटर डेवलपमेंट करिए आप क्रॉप इंश्योरेंस करिए वगैरह वगैरह ये सब हम लोगों ने और आप ये लैंड एक्विजिशन जो फार्मर्स का आप कर रहे हैं रैम्पेंट लैंड एक्विजिशन इसको बंद करिए उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने एक शिक्षा स्वराज आंदोलन शुरू किया है जिसमें कि शिक्षा में जो प्रॉब्लम्स हैं आज अगर ये पूछें कि भाई कितने लोगों को शिक्षा मिल पाती है इस देश में बेसिक शिक्षा भी तो उसका ईमानदार जवाब होगा कि आधे लोगों को भी नहीं मिल पा रही है क्योंकि सरकारी स्कूल जहाँ पर है ज्यादातर बस नाम के लिए है उसमें टीचर्स नहीं होते उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उसमें करिकुलम बहुत बार बहुत खराब होता है और अब एक दूसरा खतरा पैदा हो गया है जिसको हम कहते हैं सेफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन जिसमें कि लोगों को इस तरह की किताबें दीनानाथ बत्रा जैसे लोग जो किताबें लिखते हैं वो किताबें डाली जा रही हैं और उसमें अंधविश्वास भी फैलाए जा रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर खत्म किया जा रहा है तो एजुकेशन में बहुत बड़ा क्राइसिस है उसको हम लोग केंद्रित करना चाहते हैं उसमें सुधार बताना चाहते हैं एक तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है हाल में कि भाई सरकारी अफसरों के बच्चों को भी सरकारी स्कूल में जाना चाहिए तब उन सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करी जाएगी उसमें टीचर आएंगे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वगैरह वगैरह फिर हम लोग एक एंटी करप्शन यूनिट हर जगह बनाना चाहते हैं जो कि व्यवस्था में जो परिवर्तन है जैसे कि लोकपाल वाला मुद्दा है या सीबीसी वाला मुद्दा है या इंफॉर्मेशन कमीशन का मुद्दा है उस पर भी लगातार आंदोलन करें और साथ साथ जो लोकल भ्रष्टाचार होता है अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी करप्शन यूनिट बनाते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर करें उसको टेकअप करे चाहे वो पब्लिक के सामने उजागर करे चाहे पीआईएल फाइल करे जो भी करे इसी तरह से सांप्रदायिकता का एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गई है हम लोग चाहते हैं कि हर जगह अमन समितियां बने जो कि हर सांप्रदाय के जो सोबर और रिस्पेक्टेड लोग हैं उनकी समितियां बने जो जिनका काम ये हो कि अलग अलग संप्रदाय के कम्युनिटीज के लोगों में
समन्वय बढ़ाएं, इंटरेक्शन बढ़ाएं, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, जो अफवाह लोग फैलाते हैं सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, उन अफवाहों को पता लगाएं कि कौन फैला रहे हैं, उनके उनको चिन्हित करें, उनको एक्सपोज करें, वो सब खत्म करें, और साथ साथ जो इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है उसको भी हम लोग टेकअप करें। उसमें कई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन, इनका जो चयन प्रक्रिया है उसको भी सरकार के कब्जे से हटाकर एक ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी, जैसे हमने लोकपाल के लिए बोली थी, उसमें होना चाहिए। इनको पावर्स भी और होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को और माइनॉरिटीज कमीशन को। इस तरह के कई सारे चेंजेस हैं जिसके बारे में हमको आंदोलन करना पड़ेगा, मुहिम चलानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या इस देश में पैदा हो गई है, खासकर जब से ये भाजपा की सरकार आई।